प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं सितंबर और अक्टूबर माह में जिन भर्तियों के फार्म अप्लाई किए जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले नंबर वन पे बात करते हैं BSSC, बिहार SSC का फाइनल नोटिफिकेशन आ गया है। ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती है, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके फार्म अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसके अंदर 12वीं पास, अगर आप 12th पास हो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो 11,098 वैकेंसियाँ आई हैं, जिसके लिए कुछ वैकेंसियों पे मांगा गया है टाइपिंग और किसी पे टाइपिंग भी नहीं मांगा गया है। तो दोस्तों आपका जिस हिसाब से योग्यता हो उसी हिसाब से उसी पद के लिए आप अपना फार्म अप्लाई कर देना। फार्म भरने का डेट है 27 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। एज लिमिट है 18 साल से लेकर 40 साल तक। OBC SC ST को इसमें छूट दिया जाएगा। जनरल और OBC का फार्म फीस है ₹540, SC ST और महिलाओं का ₹135 फार्म फीस है। ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले आपका रिटर्न होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। रिटर्न के अंदर आएंगे 150 सवाल और 600 मार्क्स उसके अंदर मिलेंगे। जो एग्जाम के अंदर है उसके अंदर है मैथ और साइंस, इसके आएंगे आपको 50 सवाल, जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल और GS के 50 सवाल। टोटल 150 क्वेश्चन हैं और 600 नंबर के हैं, एक सवाल के 4 नंबर मिलेंगे। इसके अंदर नेगेटिव मार्क्स भी है और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर सैलरी, भर्ती होते ही आपका सैलरी लगभग 63,000 के लगभग आपका सैलरी हो जाएगा। और इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट है, इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है, आप इसका फुल नोटिफिकेशन सर्च करके अपनी योग्यता के हिसाब से इसका फॉर्म फिलअप कर देना। दोस्तों अभी नंबर 2 पे जो वैकेंसियों की बात करने वाले हैं वो है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंदर लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसियाँ हैं 444, इसमें लेडीज सुपरवाइजर की वैकेंसी हैं, टोटल पोस्ट है 444, ऑनलाइन फार्म भरे जा रहे हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ रिटन एग्जाम बेस पे आपका सिलेक्शन होगा और इसका जो सैलरी रहेगा वो होगा ₹25,000 से लेके आपका ₹80,000 तक सैलरी हो जाएगा। इसका जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 40 साल तक एज लिमिट है और फार्म फीस है जनरल और OBC का ₹100, SC ST का ₹50 फार्म फीस रखा गया है। एप्लीकेशन मांगा गया है इसके अंदर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके ऑनलाइन फार्म भर सकते हो। फार्म भरने का डेट है 26 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों अभी नंबर 3 पे जिस भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है UPSSSC वन विभाग। UP वन विभाग के अंदर आई है बम्पर वैकेंसियाँ, जबरदस्त वैकेंसियाँ हैं। फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड के अंदर 702 वैकेंसी आई हैं जिसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। ऑल इंडिया बेस पे ये भर्ती है, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके ऑनलाइन फार्म भर सकते हो। लेकिन अगर आपने 2022 में पेट का एग्जाम दिया है तो ही आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सैलरी की बात करें तो सिलेक्शन होते ही आपका सैलरी हो जाएगा 30,000 से लेके 80,000 तक, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट वगैरह लगता है, बहुत ज़्यादा अलाउंस वगैरह हैं। तो सिलेक्शन होते ही 30,000 से लेके आपका 80,000 के बीच में सैलरी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी नंबर 4 पे बात करते हैं ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस की। रेलवे विभाग के अंदर अप्रेंटिस की ये वैकेंसियाँ आई हैं। रेलवे के अंदर निकाली गई हैं फीटर, वेल्डर, मैकेनिक, ब्लैकस्मिथ, कारपेंटर, लाइनमैन, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल टूल मेंटेनेंस, ये वैकेंसियाँ निकाली गई हैं अप्रेंटिस के लिए। वैकेंसियाँ हैं 3,115 पदों पे ये अप्रेंटिस की वैकेंसियाँ निकाली गई हैं। इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे ऑल इंडिया बेस पे, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन सिर्फ मेरिट बेस पे किया जाएगा, सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे इसके अंदर सिलेक्शन किया जाएगा, न कोई फिजिकल टेस्ट है, सिर्फ मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। एज लिमिट मांगा गया है 15 साल से लेके 24 साल तक, जी हाँ 15 साल से लेके 24 साल तक, लेकिन 18 साल से कम तो कोई मिलेगा ही नहीं। दोस्तों इसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है
और 2024 के अंदर अगर आपने अप्रेंटिस कर लिया तो 2024 के अंदर जो रेलवे की वैकेंसियां निकलने वाली हैं 1 लाख से ज़्यादा, उसके अंदर मैट्रिक के साथ साथ आईटीआई या अप्रेंटिस मांगा गया है। अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो तो 2024 में जैसे ही रेलवे की वैकेंसी निकलेंगी आपका 100% चांस है सिलेक्शन होने का। इसका जो फार्म फीस है जनरल और ओबीसी का है 100 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का कोई भी फार्म फीस नहीं है। मेल फीमेल आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, सभी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। फार्म अप्लाई करने का डेट है 27 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन फार्म अप्लाई किए जाएंगे। अगली भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 5 पे जो भर्ती के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है आरबीआई की। आरबीआई के अंदर आई हैं 450 वैकेंसियां, आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 450 वैकेंसी आई है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। ऑल इंडिया बेस पे भर्ती, आप हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले हो, मेल हो फीमेल हो, इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया प्रोसेस है, पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, फिर आपका लैंग्वेज LPT बोलते हैं इसका, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके अंदर जो एज लिमिट मांगा गया है वो है 20 साल से लेके 28 साल तक, ओबीसी एससी एसटी को इसमें छूट दिया जाएगा। जो फार्म फीस है जनरल और ओबीसी का है 450 रुपये, एससी एसटी का मात्र 50 रुपये फार्म फीस रखा गया है। क्वालिफिकेशन में मांगा गया है बैचलर डिग्री, यानी कि आप स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए तभी आप इसके अंदर फार्म अप्लाई कर सकते हो। फार्म 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। 13 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक फार्म भरने का डेट है।